वैसे गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि थोड़ा सावधान रहिए, वोलेटाइल रहेगा मार्केट, तो दिन के दौरान भी वो उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। तो पहले तो एक डायरेक्शन बाजार पर दें, आपका क्या व्यू है इस वक्त, और दूसरा अपडेट आपकी कॉल्स का वो भी दे दें सर। तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे लगता है ये मार्केट आज दोपहर तक अपना मन बना लेगी। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको कहा कि अगले हफ्ते एक बारी के लिए मुझे लगता है 10,850 और 11,000 के बीच में मार्केट जाएगी। उसका सिंपल रीजन है, टेक्नोलॉजी शोइंग यू एक्सट्रीमली स्ट्रांग रिजल्ट। जो कुछ मिड कैप बैंक के रिजल्ट आए हैं एंड द लाइक्स ऑफ फेडरल बैंक, बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि एक जो अनिवार्य करेक्शन थी वो हो चुकी होगी। तो आई थिंक दिस वेरी गुड लेवल ऑफ 10,550 to 800 जो रहा है वो एक अच्छी कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट वीक आई वुड एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट अगेन ऑन दी अपसाइड। इस दौरान में जैसे हमने कहा आईटी इज गोइंग टू बी एट द सेंटर स्टेज, बट दैट ऑलरेडी इज प्राइस्ड इन। तो सेलेक्ट बैंक्स एंड ऑटोज कैन बी अ वेरी गुड प्ले टू प्ले ऑन दी अपसाइड। अपडेट ये सर, अपोलो टायर और ICICI प्रू कल के बाय से वो खड़े हैं। आज हमने प्रॉफिट बुक करा दिया जो हेज बनाया था बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों में 3-3% हमें मिला है। तो वी हैव ऑल्सो टेंडेड टू बुक प्रॉफिट देयर। नाउ वी आर रिन्यूइंग आर कॉल एंड वी आर गिविंग यू 2 बाय कॉल्स बोथ ऑन दी अपसाइड। तो ये आपके लिए रहा है। आमतौर पर वसीन साहब, आप एक्सपायरी के दिन का सेकंड हाफ का मूव भी बताते हैं और वो एकदम एग्जैक्ट पड़ता है पिछली दो बार की एक्सपायरी से, तो मैं नोट कर रहा हूँ। क्या आज कोई क्लियर कट व्यू बन रहा है या थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला मामला है, उसके बाद मैं आपसे आपके पिक्स लेता हूँ। सुबह की वॉलेटिलिटी है सर, दोपहर को वापस तेजी है मुझे लगता है। दोपहर को तो व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। चलिए परफेक्ट जी सर, अब बताएं आपकी दोनों पिक्स आज की। सर दोनों ऑटोज में है, पहला है आईशर मोटर 18,825 से 18,850 है, इसमें स्टॉप लॉस रखी है 18,550 का और 19,400 का टारगेट। आईशर मोटर इज शोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स। जैसे जैसे रिवाइवल कंपनी इज वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन सेल्स ऑन रॉयल एनफील्ड एंड ऑन द सीवी साइड। दूसरा मारुति है सर, 5850 का भाव है, आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए 5765 का और 6250 का टारगेट। तो आपको दो ऑटो स्टॉक खरीदने, एक टू व्हीलर दूसरा फोर व्हीलर। आईशेयर मोटर्स यहां पर खरीदारी करें 18,825 के आसपास आपको करनी है खरीदारी। 18,550 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 19,400 का। मारुति 5,850 के आसपास एंट्री कीजिए, 5,765 का स्टॉप लॉस होगा, 6,250 बड़े टारगेट 6,250 तक के, ये है आपके लिए टारगेट जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोपहर में आपसे फिर होगी मुलाकात। और अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, एक स्टॉक और आपने जो लगातार कई बार रिकमेंड किया फेडरल बैंक, आज ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 53 रुपए तक भी पहुंचा है। अभी भी एक बार मैं देख लूं कहां तक है, बड़ा मजबूत रहा स्टॉक, क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में, 7% मजबूत है अभी भी। ओके, बसिन साहब से संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, तो दोपहर में हम बसिन साहब से फिर इसके बारे में बात करें।